थोड़ी देर से जागे यार। बहुत बहुत मोटिवेट करती हैं, खास करके हम एक देश से हैं जहाँ पे डिस्पैरिटी बहुत है, वुमेन की जो कंडीशन है अभी भी बहुत ही माइनॉरिटी मानी जाती है, वुमेन के बैंक अकाउंट्स भी नहीं हैं, एजुकेशन लेवल्स भी बहुत पुअर हैं, और ये जो लॉकर रूम जोक्स आदमी बनाते हैं वुमेन के कंडीशन पे, ये मैं समझती हूँ फ्लिपेंट है और इरिस्पॉन्सिबल है। वुमेन नीड मोर इनकरेजमेंट, और ऐसी अवार्ड्स वुमेन ही नहीं पूरे सोसाइटी को, पॉपुलेशन को मोटिवेट करती है। वी आर इन अ स्टेज वेयर वी आर बीइंग इंक्लूडेड ग्लोबली, इंडिया दैट इज, एंड वी मस्ट फील दिस लेवल ऑफ बॉयंसी एंड चेंज, एंड अवार्ड्स एट एनी लेवल आर अ मोटिवेटर। देखिए, अवार्ड पुरस्कार किसको पसंद नहीं है, और ख़ास करके अगर आपने कुछ काम किया हो और उसके लिए आपको आपको पहचान मिले या आपको प्रोत्साहित किया जाए तो लोगों को पसंद तो आता ही है। एंड आई थिंक ऐसी चीज़ जैसे सत्या ने ऐसी जो प्रयास कर रहे हैं और पिछले 2 साल से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड स्पेशली उन लोगों को पुरस्कृत करना जो समाज में कुछ अलग चेंज ला रहे हैं या कुछ जो समाज में कुछ बदलाव ला रहे हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और अवार्ड की जो ऑथेंटिकेशन होती है, विश्वसनीयता होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बॉलीवुड में बिके हुए होते हैं अवार्ड, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि अवार्ड अवार्ड होता है, अब चाहे किसी ने उसे खरीद लिया हो, चाहे कोई उसको सचमुच दे रहा हो बिकॉज ऑफ योर यू नो आपके एफर्ट की वजह से, लेकिन हाँ, जो खरीदे हुए अवार्ड्स होते हैं वो दूसरों को मायूस करते हैं, जो सचमुच मेहनत करके वो उस अवार्ड के हकदार होते हैं। आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं जो अच्छा हुआ, इस मंच पर मैं पहली बार बोल रही हूँ और काफ़ी सारे प्रेस है यहाँ पर। मैं पिछले 4 महीने से प्रियंका चोपड़ा जी के कंपनी में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रही हूँ। मैंने कुछ दिनों के लिए टीवी से थोड़ा सा यू नो एक ब्रेक ले लिया है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंटेंट, जो होता है आजकल कहते हैं स्टोरी किंग, आई मीन द स्टोरी इज़ द हीरो, सो मैं उस पर काम कर रही हूँ और उनकी जो प्रोडक्शन जो भी कंपनी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं उसकी देख रेख में या उसको ओवरसी करती हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो आपने कहा खरीदने की बात अवार्ड्स की, मैं कहना चाहूँगी कि हर लेवल पे जो दीमक फैली हुई है, जो करप्शन है, वो हर लेवल पे चेंज आ रहा है, तो उस चेंज की जो हम इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए हम लेट्स बी अ लिटिल मोर पॉजिटिव अबाउट इट, और जैसे वहाँ पे भी चेंज आ रहा है यहाँ पे भी चेंज आएगा, बट देर इज़ अ मूवमेंट इन द इकॉनमी एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 हम देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स टाइम पे आ रहे हैं, फाइल्स जल्दी मूव हो रहे हैं, और हम देखेंगे कि पुरस्कार भी और ऑथेंटिक होती जाएंगी। गोविंदा और करिश्मा कपूर भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे जैसे, और वो आए या नहीं आए हम यहाँ पे हैं, और हम बहुत खुश हैं कि ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, ऐसे अवार्ड्स हो रहे हैं जहाँ पे इवन द कॉमन मैन यू सी इनसाइड, यू नो देर वॉज अ कॉमन कार्टूनिस्ट, देर आर कॉमन पीपल हु आर बीइंग celebrated as well as the Govindas of the world, so it doesn't make a difference at the end of the day. At the end of the day, when you जब आप हॉलीवुड देखते हैं तो एक्टर्स भी प्रोफेशनल्स माने जाते हैं, तो यहाँ पे इस मंच पे सारे प्रोफेशनल्स कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। I'm sure they'll come. There's a lot of traffic, there's a lot of rain, and I'm sure they'll come. If they've given a commitment, and if Satya said that they've committed, they'll come definitely. थैंक यू।
इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव 2016 के लिए मुझे जो इन्होंने अवार्ड दिया है बेस्ट एक्टर ऑफ द डिकेड उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर दैट. सामान तो किसी भी सूरत में कभी ख़राब नहीं लगते हैं. मुझे जिस वक्त अवार्ड मिलते हैं मुझे बहुत अविश्वसनीय लगता है. विश्वास नहीं होता है कि इतना समय निकल गया, काफ़ी प्रेम मिला है वर्षानुवर्ष और ये सदैव रहे. यही प्रार्थना करता हूँ. आदरणीय सत्यब्रह्म जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. उनसे जुड़े हुए, इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी माननीय गण हैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आई एम योर टुडे फॉर द इंडियन कॉन्क्लेव लीडरशिप अवार्ड एंड दे हैव गिवन मी फॉर द बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर 2016 and it feels really nice because the kind of love and support that you get as a newcomer, so you feel really motivated and you get motivated to work even more harder. But above all, thank you so much and we had a great evening today. Thank you. Question. Govinda ji, what does luxury mean to you and how do you incorporate luxury in your lifestyle? Where are you from? Just give your name. Pooja Jain from ET Now Times. Luxury in your lifestyle. हर व्यक्ति की उसकी अपनी धरपकड़ होती है ज़िंदगी में उसका. मेरा ये सोचना है कि आपको जो नेचुरल चीज़ें मिल गई हैं वो बहुत कमाल है. कहाँ आप देख रहे हैं और आपको क्या मिला है ये बहुत कमाल है. मुझे ऐसा लगा जिस वक्त तक मेरे साथ में मेरी मॉम रही मुझे ऑलवेज ऐसे ही लगा जैसे कि मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ और क्या होता है वो हूँ. और महाराजा हूँ जैसे कहिए आप. माँ बाप का आशीर्वाद होता है आप में जो संस्कृति होती है और उसकी जो उसकी शक्ति जो लोग समझते हैं बहुत कमाल होती है. और मुझे लगता है कि उससे जो जो लोग उससे साथ होते हैं वो जो जैसे आप कह लीजिए कि नूर कह लीजिए ऊपर वाले ने जो अता फरमाया वो मिल जाए वो काफ़ी रिच होता है. उससे आदमी अच्छा लगता है उसको. और पैसे भी मिले तो ख़राब नहीं होते वो किसी सूरत. अच्छे ही होते हैं. और मिले ऐसी प्रार्थना है. मेरी फिल्म आ रही है, मैंने होम प्रोडक्शन में फिल्म बनाई है आ गया हीरो. हाँ चाह रहा हूँ भैया कि मैं चलनी चाहिए बहुत सुपर हिट हो. यही ईश्वर से प्रार्थना है. आप लोग का से प्रेम है जो है ये जो है ये भी किसी लग्जरी से कम नहीं है. ये आप लोगों ने वर्षानुवर्ष जो प्रेम दिया है और ये रहा करे ये मुझे देखने के बाद में आप लोग के चेहरे पे जो ये मुस्कान आ जाती है ये जो आँखों में प्रेम आ जाता है ये बहुत है. और ये सदैव रहे ये प्रार्थना करता हूँ मैं खासतौर पर मेरे बच्चों के लिए. ना अभी इस पूरे इवेंट के दौरान इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ पे बात हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का इवेंट इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में क्या सच में कोई कर पाता है? हाँ, हर सम्मान जो मिल जाता है और लोग मुलाकात होती है और उसमें लोग उनके भाव प्रकट करते हैं और उससे थॉट्स निकलते हैं वो
उससे अच्छा ही है। ये इस तरह की भेंट मुलाकात जो है वो हुआ करें, वो अच्छा ही है। ये तो हर सूरत में है, क्या व्यक्ति क्या कह देगा और उससे क्या थॉट निकलेगा और उससे क्या कमाल हो जाएगा, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही होता है। वाई नॉट, आप लोग हैं उसके लिए और आप लोग से अच्छा और क्या हो सकता है। डायलॉग तो नहीं, अभी मैं फिलहाल उसके पैसे नहीं मिले मुझे। आपने प्रोमो देखा? अभी इस विषय में मुझसे चर्चा नहीं करवाइए कृपया प्लीज। अभी ये जो इंडियाज लीडरशिप कॉन्क्लेव 2016 है उसके लिए थैंक यू सो मच, उसमें जो मुझे सम्मान मिला। आपने प्रोमो देखा सर? आपने जी सुल्तान का प्रोमो देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा, क्षमा चाहता हूँ। आगया हीरो के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की फिल्म होगी आगया हीरो, क्या कुछ होगा उसमें? वो जिस वक्त उसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा ना, उस वक्त मैं उसका आपके साथ डिस्कस करना है। अभी राइट नाउ दे हैव डन देयर फंक्शन, आई डोंट वांट टू यूज देयर स्टेज फॉर माय पर्पस। प्लीज सर, एक क्वेश्चन मेरा टीना जी से है। इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव में आई है तो आपके सशक्तिकरण में इस इवेंट का, इस जैसे इवेंट का क्या रोल? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इवेंट्स एक तरह के एक प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये मानती हूँ और मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा लगता है कि हर स्कूल में एक सेल्फ डिफेंस का जो एक क्लास होता है, एक कोर्स होता है, वो हर लड़कियों को सिखाना चाहिए। सो यू कैन बी टॉकिंग इट आउट एवरीवेयर। सो यू नो places like this where इतने सारे लोग आए, इतनी सारी मीडिया आए, बिकॉज यू ऑल आर द पीपल हु विल टेक इट आउट एंड टॉक अबाउट इट इवन मोर, यू गेट अ चांस टू स्पीक आउट योर हार्ट। एंड आई पर्सनली फील, मेरे तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दो क्लासेज आई थिंक एवरी स्कूल शुड हैव फॉर गर्ल्स स्पेशली, इज वन इज सेल्फ डिफेंस एंड थोड़ा बहुत कराटे, ताकि यू नो यू आर लाइक टोटली स्ट्रॉन्ग, एंड वन इज योगा। आई पर्सनली फील बिकॉज गर्ल्स को थोड़ा सा तगड़ा बनाना ज़रूरी है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाना चाहिए। आई पर्सनली फील। मैं भैया वहाँ से निकल आया हूँ, आप कृपया उस तरफ मुझे भी खींच के नीचे जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट हियर, जब होगा तो डेफिनेटली बताऊंगा। इन द लास्टली व्हिच हैज बीन योर फेवरेट गोविंदा स्टार, द सॉन्ग दैट यू लाइक व्हिच फीचर्ड गोविंदा, एंड द बेस्ट ऑन स्क्रीन हीरोइन दैट गोज विद? आई थिंक ऑल एक्ट्रेसेस विद हिम लुक्ड रियली नाइस because he's my father. Everybody looks really nice with him. And it's very strange, you know, क्योंकि मुझे मेरे जो iPod है और मेरा जो mobile है, it has got a list of his songs. जो मैं treadmill में every day while doing my treadmill or my cardio, I have to listen to one song of his to keep me motivated and pepped up. So I can't really name. अखियों से गोली मारे। सो मैं ऐसी यू कि मुझे ये सब गाने बहुत पसंद है। लाइक आई हैव दिस लिस्ट वेयर एवरी डे इफ आई एम लिटिल डीमोटिवेटेड और लिटिल स्ट्रेस्ड आउट और लो, आई हैव दीज एक्टर्स एंड पापाज फुल सॉन्ग का लिस्ट इज देयर विद मी, एंड आई जस्ट स्विच इट ऑन एंड लिसन टू इट। फेवरेट फिल्म दूल्हे राजा एंड राजा बाबू। गोविंदा जी, आपकी कोई ऐसी फिल्म जिसको आपको लगता है वो बहुत अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन उसका अगर आप रीमेक करेंगे आप, तो वो फिल्म जो पहले बनी है और आपकी पसंदीदा है लेकिन लोगों ने उसको उतना पसंद नहीं किया है? मुझे लगता है एक फिल्म दो बार नहीं करनी चाहिए एक एक्टर को, और एक चीज़ ऐसे भी खासतौर पर फिल्म दो बार अच्छी नहीं लगती है, इट डजंट लुक नाइस। हो तो फिर उसका एटलीस्ट 29 ईयर्स का गैप होना चाहिए, जो सदैव रहा है वर्षानुवर्ष। कोई भी फिल्म जैसे 29 ईयर्स के बाद में आती है ना, तो सेम सब्जेक्ट के साथ वो फिर किसी और एक्टर के साथ निकलती है तो फिर वो कमाल करती है। इस पे मैं अभी फिलहाल प्रवचन नहीं कर सकता। तो कौन सी फिल्म है जिसको आप बनाना चाहेंगे जी, रीमेक करना चाहेंगे, कौन सी फिल्म होगी रीमेक? मेरी आप लोगों ने जितनी भी फिल्में देखी हैं, ये उस समय मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं सब्जेक्ट ये सब सुना करूँ, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये यंगस्टर जितने हैं सब, इन्हें सब्जेक्ट सुनने का मौका मिल जाता है, और बड़ा इन लोग देखने के बाद में और हर थॉट ये स्टार क्या है, कपड़े कैसे हैं, ये है क्या है वो, हम लोगों को तो ऐसा लगता है हमको काम मिल गया भैया, बहुत बहुत
शुक्रिया आप लोगों का कि ऊपर वाले ने कर्म कर दिया, हमें वक्त मिल गया। आप तो सबसे ज्यादा बिजी थे, आप तो एक साथ कितनी फिल्में होती थी, आप तो बहुत बिजी स्टार थे। होश ही नहीं हुआ करता था कि हो क्या रहा है, 49 फिल्म्स कर ली थी या तो या आज तक का मुझे लगता नहीं किसी ने 49 फिल्म एट ए टाइम कर रहा हो कोई एक्टर, कहीं पे यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो ये तो कभी हुआ ही। हाँ तो वो हो गया ऊपर वाले ने करवा दिया। ये प्रेम सदैव रहे यही प्रार्थना है। अब पिक्चरों में मुझे तो मेरी कभी पिक्चर अच्छी नहीं लगी, वो हिट हो गई तो मुझे लगा अच्छा हिट हो गई, फिर उसके बाद मैं देखने के लिए गया कि भैया हुआ क्या था इसमें। तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई थिंक हार्ड वर्क पेज ऑलवेज पेज ना, तो मेरे लिए आई थिंक वो वैसा रहा। प्लानिंग तो मैं कभी करता ही नहीं था, मतलब जो 49 फिल्में एक बार साइन कर ली थी वो जो एक साथ थी, मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ साइन करनी थी दोस्तों के लिए, उनके कहने पर कर ली थी कि नहीं दोस्तों के लिए कहाँ का भाई, तो पैसा कमाने के लिए आया हुआ था फिल्म में। हाँ ये है कि स्टार हो गए उसके उसको ऐसा हुआ कि कई टाइम ऐसा किया हम लोगों ने घर परिवार दोस्तों के लिए इनके लिए सबके लिए किया, वो ऊपर वाले ने मौका दिया किया कर पाए ये कह लीजिए। सर रिमिक्स बनाने के लिए सर रिमिक्स आपको इतनी दुखिया रहा जो डिस्कशन है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मूवी से ज्यादा आपके गानों पे लोगों के बहुत रिएक्शंस होते हैं, लाइक यंगस्टर्स डांस करते हैं आपके जैसे गाने लगे, तो आपको उस पे क्या कहना है? आप लोग चाहते हैं कि इन विषय में आप डिस्कस करें, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी फिल्म जो लगने वाली है वो मेरी फिल्म मैंने बनाई है फाइल ऑफ अभिनय चक्र है, उसका कैप्शन है टाइटल है आ गया हीरो, तो वो जिस वक्त लग रही होगी तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे सरप्राइज रहा है ऑलवेज, पहले कभी पता ही नहीं होता था गोविंदा की ये फिल्म बन रही है वो फिल्म बन रही है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और हो जाती थी जिस वक्त तो देखने के लिए लोग आते थे और लोग सरप्राइज हो जाते थे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही लगेगा, और ये हार्डवर्क जो फिर किया है फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने करवाया है, क्योंकि मैं शॉट कहीं और दे रहा होता था ऐसी आमद हो जाती थी कि वो गलत नहीं होता था, कभी ख़राब नहीं लगा किसी भी चीज़ से, तो वो थॉट वो वर्क जो है वो हो जाता है वो नज़र आता है। तो अगेन आई होप यू ऑल विच वॉज विल वॉच द सेम काइंड ऑफ करेक्ट। आज मैं नहा धो के आया हूँ। अब देखिए ये जो लफ्ज़ है स्टाइल स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें आपके फिल्म का वो क्या कहते हैं उसको क्या होता है, इन दिनों बड़ा फेमस हो गया वो सवाल पूछ रहा था, प्रमोशन नहीं नॉट स्ट्रेटजी यूएसपी, ये क्या पी है मुझे समझ में नहीं आता। आई फील दिल से निकली हुई चीज़ कभी ख़राब नहीं लगती, अच्छे शब्द जो होते हैं वो अच्छे ही लगते हैं, अच्छे भाव जो होते हैं वो अच्छे भाव ही लगते हैं, और योर राइट फील नेवर गोज रॉन्ग वर्क्स। तो ये जो पूछे जाते हैं ना इस तरह के सवाल मुझसे, तो मुझे बहुत हंसी आती है उन लोगों को, उन्होंने somebody started asking me, गोविंदा जी सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंड दैट, ये दिस फिल्म यू आर मेड एंड हाउ आई रियली फील दैट, यू नो मुझे कितनी टाइम लगा कि मैं तालियां बजाऊं और ऐसा लगा वो फील है इसमें, तो क्या लगता है कि ये क्या वजह से चलने वाली है? तो मैंने कहा भैया तुझे तुझ पे ही विश्वास नहीं है तो मुझे कैसे तो ये सोचने में आपको मजबूर कर देते हैं इस तरह के थॉट, जस्ट वर्क हार्ड। ऊपर वाले पे ब्लाइंड की तरह ना विश्वास करके आदमी को सोचना चाहिए कि वही है करता वो है, वही कर्विता है, करे कर आप ही आप जिसे हम कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्क करता है। ये ठीक है फाइन ये है ठीक है, तरह तरह से सोचना जो है वो खराब नहीं है, समटाइम इट वर्क्स, बट उसी में बहुत ज़्यादा घुस जाए आदमी तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा अलग लगने लगता है, वो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों इतना डरा हुआ है, थैंक यू गोविंदा जी, यू शुड नॉट बी सो स्केयर्ड। कपिल के शो पे आपने खूब धमाल मचा दिया, पूरा शो मतलब आपके उस पे कंधे पे चल रहा था, थैंक यू, और खूब लोगों ने पसंद किया, तो आप क्या कृष्णा के शो पे जाएंगे? हाँ वो आज मैं यार कृष्णा, मुझे ये जो प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, समटाइम्स यू गेट दैट काइंड ऑफ वर्क कि जिसमें आपको उस तरह के प्रश्न पूछने जाने पड़े एंड वो उस पर वर्क कर रहा है, तो मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत डांटने लगती हैं, वो मुझे कहती हैं कि आप ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं कहा करिए किसी के लिए कि उसके वर्क में उसको तकलीफ़ आ जाए, तो बच्चे लोग वर्क कर रहे हैं वो अच्छा करें वो और काम करें और
धन कमाए तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे टीना के लिए मेरी फील है वैसे उसके लिए है। ही इज द, हालांकि ये सब बच्चे लोग जो हैं जिस वक्त पैदा हुए तो उस वक्त मैं उसे तो वैष्णो देवी ले गया था मैं उठा के कंधे पे, तो हाँ तो उस वक्त वो कोई कृष्णा नहीं था या स्टार नहीं था। आई मेरे थॉट्स जो है, मेरी फील जो है बहुत मेरे टाइप के ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए राइट है वो चीज़ कर दीजिए। मुझे उसको, मैंने जो उसको टोका इन दिनों में और कहा वो मुझे राइट लगा और उससे फ़ायदा हुआ, आया वो मुझे बहुत प्रेम से मिला और मेरे लिए उसको, मेरे दिल में उसके लिए प्रेम है। वो हार्डवर्क करे, अच्छे से करे और लोगों को इस तरह से हंसाते रहे, दिल नहीं दुखाए किसी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दे रियलाइज इट एंड दे टोल्ड मी, मे गॉड ब्लेस एंड वो सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, मे गॉड ब्लेस देम। तो कब जाने की प्लानिंग है उनके शो पे? आई डोंट नो, सोचने दीजिए मुझे, पूरा पढ़ना पड़ेगा। इन लोग कैसे स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, अभी देखना पड़ेगा मुझे क्या कहने वाला है, क्या कहने वाला, क्या कहने, क्या कहने, अभी सोचना पड़ेगा आई फील। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा संभाल सकता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। आपने वो कपिल के शो में दिखा दिया, मतलब आप वो आपकी पूरा वो आपका शो था एक्चुअली। थैंक यू सो मच। ही वो बहुत, कपिल जो है बहुत नहायत ही तमीज़ में और प्रेम से साथ रहा करता है और मुझे वो पराया नहीं लगता है कभी। उसमें वो है, उसकी जो हाजिर जवाबी जो है वो चुकती नहीं है किसी भी तरह से। तो उसका जो गुड हार्ट है बाहर निकल के आता है, इट वर्क्स। वो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो जहाँ जहाँ कामयाब है, मैं गॉड ब्लेस देम, और जो एंटरटेन कर रहे हैं, मैं गॉड ब्लेस देम। एंड मेरी जो फिल्म लगने वाली है, कृपया आप लोग देखने के लिए। मैं पार्टनर्स ढूंढ रहा हूँ जो कि बहुत साल, आई थिंक एवरीथिंग हैड इट्स ओन टाइम एंड आई नेवर हैव अ कंप्लेंट टू फॉर एनीथिंग फॉर आई नेवर कंप्लेंट टू गॉड, आई शुड नॉट बी, आई सी ऑलवेज थैंकफुल टू वॉट एवर हैज़ हैपन टू मी। मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ ऊपर वाले ने जो दिया है मुझे उसका, और उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे इस सक्षम बनाए कि मुझे किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। और जो लोग साथ दे देंगे उनके लिए थैंक यू सो मच, और जो साथ दे चुके हैं उसके लिए कि वो फिल्म इतनी अच्छी बन गई है, मैं सोचा नहीं था ऐसी अच्छी हो गई है। आप पार्टनर सर्च करें और आपका पार्टनर तो सलमान खान है जी। आप पार्टनर, मैं उसे टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, जो जिंदगी में साथ दे दे मैं कभी उस पर टॉन्ट नहीं मारता हूँ। और उस वक्त जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से निकला था उस वक्त वो साथ थे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस हिम। और ऐसी भी बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसके प्रोफेशनल काम में उसको कष्ट हो जाए। मैं मेरे दम पे निकला हूँ और हार्डवर्क करके मैं आया हूँ, वही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वैसे ही साथ दें और ये साथ रहे सदैव। गोविंदा जी, आप सर की फिल्म की बात की, आपको लाइक आपके काफी से सलमान ने आपको बहुत असिस्ट किया है, ऐसे सुनने में आई है फिल्म में, आपको उन्होंने बहुत हेल्प किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस फिल्म में? आपकी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है। नहीं भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं है और उसमें भी कुछ भी नहीं था। वो जिस वक्त पार्टनर बन रही थी डेविड ने, सलमान को तो पता भी नहीं था कि वो फिल्म कर रहा है उस वक्त। डेविड ने और सोहेल ने कहा कि हम, वी वांट टू स्टार्ट द फिल्म, इट वाज सोहेल खान हु वाज बिहाइंड द प्रोजेक्ट एंड सब्जेक्ट वो कोई और लाए थे, तो मैंने कहीं और सजेस्ट किया उन्हें वो सजेशन अच्छी लगी और सब्जेक्ट हिट लगा, वो हिट हो गया और कामयाब हो गया। तो मुझे ये सलमान ने डेफिनेटली ये किया था कि उसके करते समय मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं उसकी फिल्म कर रहा हूँ, होम प्रोडक्शन की लगी, जो जो मैं कह रहा था, जहाँ जहाँ मैं कह रहा था वो थॉट्स उन्हें अच्छे लग रहे थे, वर्क कर रहा था, जो गाने भी वही उन्होंने सिलेक्ट किए जो मैं कह रहा था कि हाँ ये अच्छे हैं। तो he's been very good, may God bless him यार। पार्टनर की बात सर, आप सीक्वल में देख, सीक्वल आएगा, हम आपको देख सकेंगे दोनों को साथ में वापस सीक्वल में। अभी तो भैया फिल्म लगने, तो काफ़ी समय से फिल्म ही नहीं लगी है, मैं तो यही सोचने में लगा हुआ हूँ कि भैया ये है कहाँ, ये निकले इससे बाहर हम निकले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.
आज की वीडियो एक्चुअली, और फिर लोगों